केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा एचपीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश में 70 क्रिकेट अकेडमियों में खिलाड़ियों को तराशा जा रहा है और इसमें ग्रामीण बच्चों को खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीपीएल परिवार की लड़कियों के लिए मुफ्त में चयन भी किया जा रहा है, जिसके तहत हमीरपुर जिला के सोहारी क्रिकेट अकेडमी से 5 खिलाड़ियों का चयन एचपीसी के लिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुहिम रंग ला रही है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित अकेडमियों से होनहार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा रहा है। हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के सोहारी में चल रही एचपीसीए द्वारा संचालित क्रिकेट अकेडमी के प्रयासों से 5 खिलाड़ियों का चयन एचपीसीए के लिए हुआ है। आगामी दिनों में एचपीसीए द्वारा संचालित क्रिकेट प्रतियोगिताओं में अपने हुनर का जोहर दिखाएंगे तो राष्ट्र स्तर पर भी खिलाड़ियों का चयन होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा एचपीसीए के माध्यम से पूरे प्रदेश में 70 क्रिकेट अकेडमियों में खिलाड़ियों को तराशा जा रहा है और इनमें ग्रामीण बच्चों को खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीपीएल परिवार की लड़कियों के लिए मुफ्त में चयन भी किया जा रहा है, जिसके तहत हमीरपुर जिला के सोहारी क्रिकेट अकेडमी से 5 खिलाड़ियों का चयन एचपीसीए के लिए हुआ है। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही अनुराग ठाकुर के द्वारा इस अकेडमी का शुभारंभ किया गया था और 1 साल के भीतर ही अकेडमी के द्वारा किए गए प्रयास रंग लाने लगे हैं, जिससे क्षेत्र में भी खुशी की लहर है। वहीं क्रिकेट अकेडमी के तहत चयनित हुए खिलाड़ियों ने अपने कोच का आभार जताया और कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों को क्रिकेट से जोड़ने के लिए 70 अकेडमियां चलाई हैं, उनका लाभ मिल रहा है, जिस कारण अब युवाओं को एचपीसीए में जाने का मौका भी मिल रहा है। मैं अपने अभिभावकों, अपने कोच और अपने घर वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपना खासकर महेंद्र सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्हें मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अंडर 19 या अंडर 16 खेल रहा हूँ। सर, मैं मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने अभिभावकों को धन्यवाद करूंगा और अपने एचपीसीए के सब सेंटर सोहारी के कोच महेंद्र शर्मा को भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया, बॉलिंग सिखाई और मुझे अंडर 16 के कैंपों में ट्रायल में भेजा, जहाँ मेरी सिलेक्शन हुई है अंडर 16 में। मुझे बहुत खुशी है कि मैं चयन। भी अकेडमी के कोच महेंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि 5 खिलाड़ियों का चयन एचपीसीए अकेडमी के लिए हुआ है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के द्वारा छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट अकेडमी खोलकर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है। वहीं उन्होंने नशे के अंधकार में डूब रही युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि उन्हें अपना समय पढ़ाई के अलावा खेलों में लगाना चाहिए। कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, जिसका आज ये परिणाम निकला कि मेरी अकेडमी एचपीसीए द्वारा संचालित, यहाँ से 5 बच्चे जो अंडर 16 के कैंप में सिलेक्ट हुए हैं और 4 बच्चे मेरे अंडर 19 में सिलेक्ट हुए हैं। इसका मैं सारा श्रेय हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी को दूंगा, जिन्होंने यहाँ छोटे से क्षेत्रों में 70 अकेडमियों का जो मिशन है इसमें हमारे सवारी सेंटर भी दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और मैं बच्चों के, जो बच्चे आजकल नशे में डूब चुके हैं, नशा उन पर हावी हो चुका है, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो खेलों के प्रति अपना जागरूक रहें, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो देश का निर्माता बन सकता है। कार्यक्रम में एक बार वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।